हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकलांग परिवार पर फायरिंग व जानलेवा हमला कर घर से महिला का हुआ अपहरण। घटना मंगलवार की है, जहां घर में सो रही महिला को पिस्टल की नोक पर अपहरण करने की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार भियाण निवासी बियाराम पुत्र लिखमा राम के परिवार पर जानलेवा हमला कर घर के चार सदस्यों को बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया गया। छोटी बेटी हेमलता का अपहरण भी हुआ। हमले में घायल बियाराम व उसकी पत्नी दोनों विकलांग है। घायल अवस्था में उनके पूरे परिवार को बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार हेतु ले जाया गया है। अपहरण व मारपीट की घटना को देख अड़ोस पड़ोस के लोग बीच बचाव में आए तो अपहरणकर्ताओं ने पिस्टल से फायर किया। आस पड़ोस के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर बियाण पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो गाड़ी का 40 किलोमीटर तक पीछा कर नागदड़ा के पास अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। अपहरण महिला को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अपहरण में प्रयुक्त दो वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।